सो यार क्या आपकी वॉइस में भी नॉइस आती है? आपकी वॉइस भी कुछ इस तरह से बोरिंग है? सो आप अपनी वॉइस को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह से? सो आज की वीडियो में मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए किसी माइक की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वॉइस को एंड्रॉयड मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन में इसको एडिट करके अपनी वॉइस को प्रोफेशनल बना सकते हैं, अपनी वॉइस की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर आप एक बात को समझ लें, जब तक आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आपकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, आपकी वीडियो को लोग पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आपने आज की वीडियो को कंप्लीट देख लिया, इसको समझ लिया, सो आपकी वॉइस भी प्रोफेशनल हो जाएगी और लोग आपकी वीडियो को पसंद करना स्टार्ट कर देंगे और आपके व्यूज़ में भी इजाफा होगा, नहीं तो आपके 5 से 7 व्यूज़ ही आएंगे। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बैक करके अगेन से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसके बाद आप अपनी वॉइस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी वॉइस भी प्रोफेशनल हो जाएगी और आपकी वीडियोस पर भी व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सो दोस्तों सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपने अपनी ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सैंपल बना के रखा हुआ है, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस सैंपल को आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें कितना ज़्यादा नॉइस आ रहा है, कितनी ज़्यादा इसमें जो है इको है, बोरिंग सी वॉइस है। सो इसको अट्रैक्टिव किस तरह से बना सकते हैं, अपनी वॉइस में क्रिस्पी किस तरह से ला सकते हैं। सो आप पहले वॉइस को सुन लें, उसके बाद हम इसको एडिट करेंगे। आप जो वॉइस सुन रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है और हमारी वॉइस क्लियर भी नहीं आ रही और हमारी वॉइस कुछ बोरिंग सी। सो दोस्तों आपने वॉइस को सुन लिया होगा, हमारी वॉइस कितनी ज़्यादा बोरिंग है, कितना ज़्यादा इसमें इको आ रहा है और कितनी ज़्यादा इसमें नॉइस है। अब आपने इसको क्लियर कैसे करना है, प्रोफेशनल कैसे बनाना है, सो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा। वीडियो को थोड़ा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले अपनी वॉइस को क्लियर करने के लिए यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने इफेक्ट वाला ऑप्शन नज़र आता है। सो आपने इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पर सबसे पहले इक्वलाइजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सो आपके सामने जैज वाला ऑप्शन आ जाता है। आपने यहाँ जैज को सिलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा इसको स्क्रोल डाउन करना है। जैसे ही आप इसको स्क्रोल डाउन करते हैं आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। सो आपने इनको थोड़ा माइनस कर देना है 2%। सो हम इसको 2% माइनस कर देते हैं। उसके बाद आपने स्क्रोल डाउन करना है इसको और आपके सामने ये दो और ऑप्शन आ जाएंगे लास्ट में। सो आपने इनको थोड़ा प्लस कर देना है 2%। सो हम इसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं आपकी वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, आपकी वॉइस क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। अब आपने अगेन से 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने अगेन से 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइन्स पर क्लिक करते हैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। सो आपको नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करके अपनी वॉइस में से सारा नॉइस निकाल सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। आपकी वॉइस में कोई भी नॉइस नहीं रहेगी, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, प्रोफेशनल हो जाएगी। सो आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इसको राइट साइड पर ले जाना है और नीचे से इसको पकड़ के यहाँ से लेफ्ट साइड पे ले जाना है। सो आपने इसको यहाँ से पूरी वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारी वॉइस में से बिल्कुल नॉइस जो है वो ख़त्म हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। हमारी वॉइस बिल्कुल क्रिस्पी बन चुकी है और हमारी वॉइस रेडी है। सिर्फ आपने यहाँ पर एक और छोटा सा काम करना है, उसके बाद आप अपनी वॉइस को अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। सो आपने 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे जाएंगे। सो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मानो टू स्ट्रीट का। सो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं सो हमारी वॉइस रेडी हो चुकी है, हमारी वॉइस में से नॉइस जा चुकी है और हमारी वॉइस प्रोफेशनल बन चुकी है। अब मैं आपको वॉइस चेक करवा देता हूँ, आप वॉइस सुनकर बता सकते हैं कि हमारी वॉइस कितने ज़्यादा बेहतर हो चुकी है पहले से। सो दोस्तों इस वक्त आप जो वॉइस सुन रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है और हमारी वॉइस क्लियर भी नहीं आ रही और हमारी वॉइस कुछ बोरिंग सी है। सो आज की वीडियो में मैं आपको क्रिस्पी वॉइस यार आपने हमारी वॉइस सुन ली है, आप देख सकते हैं कि पहले वाली वॉइस में और इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा फ़र्क है। हमारी वॉइस पहले वाली वॉइस से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। अब आप इसको यहाँ से सेव करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं।
अब आप इसको यहाँ से सेव कैसे करेंगे, हमने यहाँ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सेव एज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको नेम देना है, जो भी नेम देना चाहते हैं, और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो वॉइस है वो सेव हो जाएगी आपकी, और आप इसको अपनी वॉइस में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।